हमारे देश में नशा मुक्ति के लिए सरकार कई अभियान और योजनाएं चला रही है, लेकिन उनका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले ब्रज कुमार ने शराब के खिलाफ एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जो अब चर्चा का विषय बन गई है। उनकी ये मुहिम कितना रंग लाएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन उनके इस प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल बिलासपुर के ब्रज कुमार ने साइकिल यात्रा कर स्कूल कॉलेजों में जाकर नशे से बचने और उसे छोड़ने का संदेश देने का संकल्प लिया है। उन्हें निकले हुए 2 महीने हो गए हैं। इस कार्य में उन्हें कई कई दिनों भूखे भी रहना पड़ा। जंगलों से होकर गुजरते वक्त कई जंगली जानवरों से सामना भी हुआ। इस दौरान पंजाब केसरी की टीम ने कवर्धा में ब्रज कुमार से बातचीत की। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिरकुना बिलासपुर से हूँ। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा नशा मुक्ति संदेश को लेकर यात्रा कर रहे हैं। तो कितने दिन हो गया आप बिलासपुर से निकले? मुझे 2 महीना हो गया। और इस कहाँ कहाँ आप हो चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक 32 जिला घूम चुका हूँ। बिलासपुर से मैं सरगुजा संभाग होते हुए शुरुआत किया था, उसके बाद फिर बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, अब दूर संभाग होते हुए मेरा वापसी हो रहा है। ये मेरा यात्रा का 32वां जिला है। लगभग मैं 2000 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो जैसे आपको भोजन वोजन के लिए फिर क्या है सुविधाएं मिल रही है या कैसे कर रहे हो आप? इस यात्रा में तो मुझे कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। जंगलों में रुका हूँ, जानवरों से मुलाकात हुआ है। अभी लगभग 15 दिन तो मैं खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि सुबह टाइम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहता था कि खाना मिलता नहीं था। अधिकतर मैं होटल ढाबा में खाना खाया हूँ, और जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं जहाँ प्रतिदिन खाना बनते हैं वहाँ बच्चों के साथ खाना खाया हूँ। कई दिन खाने को नहीं मिलता, कई दिन नहाता नहीं, कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन यात्रा का बस एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपने युवाओं को नशाखोरी से बचाना है, इसीलिए मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ। क्योंकि जो चले गए हैं वापस नहीं आ पा रहे हैं। लोग मुझसे दवाई मांगते हैं और हम सबको पता है कि नशा छोड़ने का दवाई आता ही नहीं है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति इसका दवाई है। तो मैं चाहता हूँ जो नहीं गए हैं उसे रोकना है, क्योंकि ऐसे ऐसे घटना को देखा हूँ समाज में। कई लोग अपने माता पिता की भी हत्या कर देते हैं नशे में। एक लड़का भी हमारी बिलासपुर घटना आपने भी पढ़ा होगा, वो अपने माँ के चेहरे को ब्लेड से मारा है, 65 टाके लगे हैं, सिर्फ नशे के लिए पैसा नहीं दिया। तो ऐसे कई घटना हमारे समाज में आए दिन अपराध जो होते रहते हैं जो सिर्फ नशे को जलते हैं। तो भट्टी मेरे लिए भी खुला है, तो उसका बंद होने का इंतजार हम कर नहीं सकते। हम खुद जाना बंद करेंगे तो अपने आप बंद हो जाता है। और सरकार भी इसमें अभियान चलाता है कि आप नशे मुक्त रहें। ऐसा नहीं कि सरकार अभियान नहीं चलाता, सरकार भी अभियान चलाता है। मैं जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगा है, मैं देखा हूँ। तो हमें ही नशा मुक्त बनना होगा, और यात्रा का बस इसकी उद्देश्य है कि युवाओं को नशाखोरी से बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि युवा जो है नशा मुक्त बनेंगे। और अभी आप इसके बाद कवर्धा से कहाँ जाएंगे? कवर्धा से मैं जाऊँगा मुंगेली। वहीं आपका मतलब निवास स्थान? हाँ, वही मेरा निवास स्थान है। ये मेरा आखिरी यात्रा का रहेगा, और मैं किसी एनजीओ संस्था संगठन से नहीं हूँ, ये मेरा यात्रा स्वयं का है। बहुत बहुत धन्यवाद। नशे को लेकर सरकार भी लोगों को जागरूक करती है, लेकिन जिस तरह से ब्रज कुमार ने मुहिम शुरू की है वो काबिले तारीफ है। हालांकि अब देखना होगा कि उनकी ये मुहिम कितना रंग लाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कवर्धा से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।